मध्य रात्रि के बाद 2:40 के आसपास हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई थी कि यमुना नदी पिलुआ मंदिर के पास में जो है कुछ लोग कछुओं का पिलुआ मंदिर के पास में जो है कुछ लोग कछुओं का अवैध शिकार करके एक उनको ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। उस सूचना पर विश्वास करते हुए हमने पुलिस बल का सहयोग लेकर मौके पर छापा मारा तो 55 सुंदरी प्रजाति के कछुए जो शेड्यूल वन में आते हैं, एक चित्रा इंडिका और एक सोनिया गैंगटस टर्टल को कुल बरामद किया और 5 मृत कछुए भी उस समय मौके पर पाए गए और 4 मुलजिमों को भी अरेस्ट किया गया है। ये जो प्रथम दृष्टया जानकारी हुई है ये यमुना नदी से इनका अवैध शिकार किया गया था और एकत्रीकरण करने के उपरांत इनको बाहर ले जाने की तस्करी करने के लिए तैयारी कर रहे थे। ये इनमें कुछ बड़े कछुए भी हैं और कुछ छोटे कछुए भी हैं, तो अगर आप इनका एवरेज निकालें 400 रुपये के जी, हाँ तो ये लगभग 3 लाख के आसपास तक के कछुए कीमत इनकी हो सकती है। ये जो बड़े कछुए हैं ये कितने हैं? ये बहुत बड़े, इनका क्या वेट रहा? इनका वेट लगभग 40 किलो के आसपास का है और ये सब बाहर तस्करी करते हैं। ये लोग, उनका कोई निर्धारित मूल नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनको बाहर भेजने का लोग प्रयास करते हैं और हम लोग निरंतर सजग रह करके इसी प्रकार की कार्रवाइयां अमल में लाते रहते हैं। क्या माना जाए कि इसका प्रयोग क्या करते हैं? जो जानकारी मिलती है कि ये खाने के काम भी आता है और पौरुष वर्धक शक्ति के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कौन से देश में ज़्यादा है? ये म्यांमार है, भूटान है, चाइना है। मोस्टली ये यहाँ से कोलकाता की तरफ ले जाते हैं, फिर वहाँ इनको खाया भी जाता है और इनको आयात भी करने का, अवैध आयात करने का भी प्रयास रहता है।